नमस्ते गाइस, आज हम कुछ क्रिएटिविटी करने वाले हैं। हम कुछ इसके साथ, ये इसका बिफोर लुक है, इसका आफ्टर लुक कुछ टाइम बाद दिखाएंगे। हम कुछ इसके साथ क्रिएटिविटी करेंगे ताकि कुछ लोगों के लिए ये अनयूज्ड है, हम इसको आज आपको यूजफुल करके दिखाएंगे। ये देखिए, फिर इसने पहले नॉर्मल वाटर से इसको स्टार्ट कर दिया था, वेट करा था पूरा पॉट को। फिर फेब्रिकल पेंट जो आपने मेरे शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा, ये वही पेंट है, ब्लैक से इसको उसने पूरा कवर किया था। और ये देख आप सकते हैं, ये छोटी छोटी डॉल्स बना रही है। ये आपने ज़्यादा राजस्थान या गुजरात में आपने देखा होगा इस तरह की जो क्रिएटिविटी होती है, हैंडमेड चीज़ें होती हैं, जिस तरीके के काम होता है। ये आप देखिए, मतलब कितना सुंदर ये बना रही है। अभी जब ये पूरा बनेगा ना, तब आप देखिएगा कि कितना सुंदर लग रहा है। ये आप देख सकते हैं, मतलब मैं उस टाइम जब ये देख रही थी, जब मैंने कहा कि तुम बनाते हो तो एक बार मतलब किस तरीके से क्या करते हो, तो मैंने कहा मैं वीडियो ज़रूर शूट करूँगी इसका, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें की बात ही अलग होती है। ये देखिए, पूरी डॉल्स रेडी हैं, इस पर अभी पेंट कर चुकी है ये। तो अब ये इस पे रेड कलर से कुछ और डिज़ाइन बना रही है। ये देखिए किस तरीके का डिज़ाइन, प्यारा प्यारा डिज़ाइन बना रही है। रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन अभी तक तो अच्छा लग रहा है। पूरा रेडी होने के बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अभी आपको मैं दिखाती हूँ पूरा, ये देखिए। उसके बाद इसने येलो से इसको जो है उसका आउटलाइन किया, जो रेड डिज़ाइन बनाया था। और वाकई ये तो बड़ा सुंदर बनता चला जा रहा है भाई, मानना तो पड़ेगा। अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो चीज़ें तो ज़रूर होनी चाहिए और उसको हमेशा बरकरार भी रखना चाहिए। मुझे लगा कि बहुत अच्छा बनाती है लड़की, तो क्यों ना इसको शूट लिया जाए और इसके टैलेंट को भी उभारा जाए, है ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो तुम बनाओ, तो मैं उसका शूट लेती हूँ। बेचारी थक भी गई थी, क्योंकि उसके हाथ में बहुत देर से पॉट उसने पकड़ रखा था, तो कह रही थी कि मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, करते चले जाओ, अपना पूरा कर लो, उसके बाद आराम कर लेना। अब देखिए ये ऑरेंज कलर से फ्लावर बना रही है, आप देखते जाइए कितना सुंदर बना रही है। अब आपको एक बता दूं कि ये सारे कलर्स जो है, उसके बाद बहुत सारे कलर्स है, आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी सारे कलर्स थे। और ये सारे फैब्रिकल कलर्स हैं जो कभी भी हटते नहीं हैं, पक्के कलर्स होते हैं। आई थिंक ये कपड़ों पर भी यूज़ होते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, या मिरर वो होती ना जो पेंटिंग होती है उसको, ग्लास मिंटिंग, उस पर भी शायद ये कलर्स यूज़ होते हैं। बट ये देखिए कितना सुंदर इसने फ्लावर रेडी कर दिया है इस पॉट पे। अभी तो देखते जाइए, ये आगे आगे पॉट इतना सुंदर बन जाएगा कि ऐसा लगेगा कि इसमें को आप घर पे डेकोरेशन के रख सकते हो। और प्लस इसमें आप अपना कोई भी जो है पौधा लगा सकते हैं, तुलसी माता लगा सकते हैं, कितना सुंदर लगेगा। रोज़ फ्लावर लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर इसने बना दिया था। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। क्रिएटिविटी हो तो उसको उभारना चाहिए, तो मैं वो उससे मैंने बोला भी था कि तुम इसी में आगे बढ़ो, कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर अच्छा हो जाएगा। तो अब देखिए इसने ये ग्रीन कलर से स्टार्ट कर दिया है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आई थिंक इसने और भी कलर्स, इसने मोस्टली सारे कलर्स यूज़ किए थे। ये देखिए फ्लावर्स के ऊपर और इसने डिज़ाइन बना दिया, ये आप देख सकते हो। और आपको एक मैं अच्छी चीज़ बताऊँ कि ये कहीं से भी देख नहीं रही थी कि कहीं से इसने चेक किया हो डिज़ाइन कुछ है, ये अपने माइंड से बना रही थी। क्योंकि क्रिएटिविटी का मतलब वो ये कि आप खुद क्या क्रिएट कर सकते हो, है कि नहीं। आपके अंदर खुद की क्या अचीवमेंट्स होती हैं, क्या डिज़ाइंस आप अपने मन में ला सकते हो, तो ये वही कर रही थी। ये कहीं से देखी नहीं थी, इसके माइंड में जो आ रहा था, ये कह रही है मेरे पास हाथ चलते चले जा रहे हैं, मेरे जो भी मेरे को माइंड में आ रहा है, मैं उस स्पॉट पे डिज़ाइन इसको बनाती चली जा रही हूँ। तो ये देखिए संगत जी, ये कितना खूबसूरत इसने अब एक और दूसरी जगह ये फ्लावर बना रही है। इट्स सो ब्यूटीफुल, रियली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो क्या है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, रियली इट्स जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि भाई तू कब ख़त्म करेगी, कब पूरा होगा ये, मेरे को तो देखने का बहुत लग रहा था। क्योंकि सारे के सारे कलर्स इसने ऐड कर दिए थे, कोई कलर इसने नहीं छोड़ी थी, सारी कलर ऐड कर दी थी। तो ये देखिए पूरा बाहर का लुक तो मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। अब ये थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन बनाएगी, जिससे कि ये कभी भी कहीं रखें शोपीस की तरह तो सुंदर लगे। तो येलो वाला इसने पेंट कर दिया था सारा का सारा, ये आप देख सकते हैं।
कितना अच्छा लग रहा है येलो कलर का। और ये पता है पेंट सूख भी जल्दी जाता है। और उसके बाद देखिए कितना अच्छा सुंदर डिज़ाइन बना दिया इसने, ग्रीन से भी। और ये आई थिंक स्काई नहीं है, ये वो वाला पेंट था। ये देखिए इसका फाइनल लुक रेडी है संगत जी, इट्स सो ब्यूटीफुल। नो आप इसको डेकोरेशन के लिए किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें कोई पौधा आप लगा सकते हैं। कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका, और ये जल्दी सूख भी जाता है पेंट। ये देखिए, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा। गुरुजी की मेहर से ही आगे बढ़े बस।